तो हम आए हैं बच्चों के साथ, ये देख सकते हैं ये बच्चों को आपको मुकम्मल वीडियो एंजॉय करवाएंगे। तो कहाँ कहाँ हम जाएंगे और कैसे हमारी एंजॉयमेंट होगी, तो इन बच्चों के साथ आपको भी एंजॉय करवाएंगे। फुल वॉच एंड माय प्रीमियर एंजॉय द माय यूट्यूब फैमिली माय वीडियो एंड लव यू ऑल एंड सपोर्ट मी ऑल एंड माय प्रॉब्लम माय वॉच टाइम लव यू यूट्यूब फैमिली सिस्टर एंड ब्रदर थैंक यू एंड सो मच एंजॉय द माय प्रीमियर एंड वीडियो। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, देखें तो इस खेत में मैं आया हूँ। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके आया हूँ। ये देखें ये मेरा बच्चा अनन्य का, देखें माशाल्लाह से काफ़ी खुश है। खुश क्यों नहीं होगा, क्योंकि हरियाली अगर सुबह सुबह देखी जाए दिल भी ताज़ा हो जाता है, और सुबह सुबह हरियाली का देखना आंखों के लिए काफ़ी अच्छी एक किस्म का नियामत ही है। उसके वजह से नज़रें ठीक ही हो जाती हैं। तो ये देखें तो मेरे बच्चे आए हैं, मेरे सिस्टर हैं दो और मेरे भांजे, दो तीन भांजे आए हैं। तो चलें उनके पास चलते हैं और सुबह सुबह हरियाली उनके साथ आपको एंजॉय करवाते हैं, और काफ़ी खुश और इंशाल्लाह आपको खुशी नज़र आएंगे अगर सुबह हम इंजॉयमेंट और हरियाली देखें। तो चलें जितने मेरे साथ आए हैं उनको आपके साथ शेयर करवाते हैं। तो ये देखें मेरे साथ मेरी ये वाली मेरी सिस्टर है, जो सबसे पीछे वाली वो भी मेरी सिस्टर है। ये मेरे भांजे और दो मेरे अपने बेटे आए हैं साथ देखें, और काफ़ी ये लोग खुश हैं। ये मेरी वो सिस्टर है कि अगर मैं मसरूफ़ हूँ, काफ़ी गाना गा रहा हूँ, और जब कोई नया प्रीमियर आता है तो ये मेरे को काफ़ी साथ देती है, उस प्रीमियर को यही सपोर्ट करती है और उसको वॉच यही करती है। तो इसलिए अगर कि नहाना हो मुझे तो तब भी मैं अपने सिस्टर को, ये मेरी सिस्टर है, इसको मैं मोबाइल पकड़ा देता हूँ और आपके प्रीमियर को यही वॉच करती है। इवन के जब तक मैं खुद फ्री ना हो जाऊँ वब तक इसी के पास प्रीमियर के लिए भी मोबाइल होता है, प्रीमियर को एंजॉय करती है। तो ये मुझे काफ़ी साथ देती है प्रीमियर में। अगर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मोबाइल में रखता नहीं हूँ, मेरी आदत है जिसका भी प्रीमियर हो फुल वॉच करता हूँ, वीडियो अगर आए उसको भी मैं फुल वॉच करता हूँ। तो ये मेरी काफ़ी साथ देने वाली सिस्टर है, देखे माशाल्लाह से। ये मेरी एक सिस्टर हो जो पीछे वाली है, ये भी मेरी सिस्टर है, और ये जो तीन है, एक दो तीन, ये मेरा भांजा है, ये देखें। तो ये भी आए हैं इस घूमने के लिए, तो हम नदी में आए हैं और काफ़ी इंजॉयमेंट हमारी जारी है। तो आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, आप भी हमारा साथ दें और हमारी इंजॉयमेंट में शामिल हो जाएं। तो अच्छा व्यू आपको दिखाएंगे जितनी भी हमसे हो सकी, तो आपके साथ हम अपना मेहनत शेयर करेंगे। तो हम सुबह मॉर्निंग की तकरीबन 7:30 से 8 बज रहे, तो हम आए हैं और आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करने के लिए एंजॉयमेंट। तो आगे हम क्या करते हैं चलें आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। यहाँ इस सर्दी में यहाँ ये दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, और कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, तो ये एंजॉय कर रहे हैं इस जहाँ हम शेयर के लिए आए हैं। इतवार के दिन है तो संडे के दिन है फ्री, तो एक दूसरे के साथ गपशप मार रहे हैं। तो ये वो जगह है देखें जिसमें के काफ़ी तादाद में खेत उगाई जा सकती थी काफ़ी, लेकिन सामने जो आगे एक रोड बन रहा है बहुत ज़्यादा आगे, तो जूम करके वीडियो अच्छी नहीं आएगी। तो मेरा मोबाइल भी उस तरह नहीं है कि काफ़ी आगे की जूमिंग अच्छी दिखाए। तो यहाँ ये गड्ढे खोदे हुए हैं रोड को बनाने के लिए, तो अगर आपको मैं थोड़ी सी जूमिंग करवाऊँ, वो आगे आप देख सकते हैं रोड बन रहे, तो रोड बन रहा है, यहाँ से मिट्टी उठा के वहाँ लेके जाते हैं रोड बनाने के लिए। देखें काफ़ी हरियाली है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा। यहाँ अगर सुबह सुबह आना हो तो आप आ सकते हैं एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली समेत आ सकते हैं यहाँ, ऐसे कोई मसला नहीं कि जिससे आपको कोई ख़तरा लायक हो। हाँ कि इतना शाम के टाइम थोड़ा बहुत ख़तरा है कि वहाँ के मोबाइल छीना जा सकता है, अभी तो फ़िलहाल सुबह का टाइम में कोई मसला वसाइल तो नहीं, लेकिन आगे अल्लाह खैर करे। जितनी भी ये आ रहे हैं देखिए, ये मेरा भांजा है, बहुत बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह लगता है ये माशाल्लाह। ये देखिए ये मेरा बेटा है,
तो ये कह रहे कि एक पत्ता काट लूँ, तो मैंने बोला चलें कोई है नहीं, एक पत्ते को आप आग लगाएं लेकिन काटे ना। तो ये देखे आग लगा रहा है, इसकी ख्वाहिश है कि मैं काटूं, लेकिन मैं काटने नहीं दे रहा हूं क्योंकि किसी का नुकसान करना अच्छी बात नहीं होती। तो ये देखे ये आग लगा रहा है, तो सुबह सुबह अपना बहुत ज़्यादा खुश है, देखे बहुत खुश है बहुत ज़्यादा। ये इसका दूसरा साइड है, देखें यहाँ भी ये पट्टी काफ़ी छोटी है, देखें तकरीबन थोड़ी बहुत होगी ये बस यहाँ तक के, लेकिन इसके लिए 10 से 15 दिन लगेंगे और तैयार होने के लिए। ये भी इवन के काफ़ी अच्छी तादाद में पालक उगी हुई है। ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि अंदर ना घुसे, तो इसको मैं बाहर निकालता। तो इसको मैंने कहा कि आप बाहर निकल जाए तो कोई यान आ जाए, कोई मसला वसाइल नहीं हो जाए। ये मेरी सिस्टर और भांजे खेल रही है, ये देखें ये मेरा बेटा है बड़ा वाला, ये जो भाग रहा है देखें बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरे एक भांजा है एक भांजी है, देख सकते हैं। तो ये हम कह रहे कि हम यहाँ खेलेंगे, तो मैंने बोला आप खेलें, मैं अपनी वीडियो पे मसरूफ़ हूँ, तो इनको मैं खेलने दूंगा। इसको कह रहा हूँ कि आप आगे चले जाएं, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा कि आपके साथ ही रहूँगा। तो मैंने बोला जाएं आप भी थोड़ा खेलें एंजॉय करें, तो ये भी जाने लग गया है। तो देखते तो आपको मैं एंजॉय करवाता हूँ, ये देखें जा रहा है माशाल्लाह से। तो ये मुझे कह रहे कि आप क्यों आगे चले गए, मेरे साथ साथ चलो। तो इसको मैंने बोला चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप आ जाएँ। तो ये आगे जा रहा है, देखें तो काफ़ी बिजी है ये भी अपने इसमें खेल कूद में। ये गड्ढे उगाए, देखें गड्ढे किए हुए हैं रोड को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ जो फसल वालों का ये कहना है कि हमारा काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ अब हम फसल नहीं उगा सकते। ये देखें अगर यहाँ फसल उगाएंगे तो पानी का कोई सिस्टम नहीं होगा, पानी देने का सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी तादाद में ये जो जितने गड्ढे बहुत बड़े हैं, तो यहाँ जो पानी की वसूली है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इन खेत वालों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है इसकी वजह से। अब वो कुछ कर तो नहीं सकते हैं कि क्योंकि ये गवर्नमेंट की जगह है और गवर्नमेंट इसको बनानी है, तो गवर्नमेंट के साथ किसी का क्या लेना देना, तो ये ख़ुद बना रहे। तो ये देखे मेरे सिस्टर और बेटे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और बहुत ही अच्छी तादाद में माशाल्लाह से। ये देखें काफ़ी जितनी आगे आप जा सके तकरीबन के घंटा लग जाएगा, ये इतनी बड़ी यहाँ नदी है कि एक घंटा आपको आगे जाने में लगेगा, का जितनी आगे आप जा सकते घंटा दो घंटे आपको लग जाएंगे। तो यहाँ एक चरवाहा बकरी चराने वाला एक चाचा आया है, तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखे चाचा जी हमारे आ रहे हैं, अक्सर इनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो मेरे पास ना बकरी है और ना भैंस कोई, वैसे ही रास्ते में चलते हुए मैं उनकी शॉट बनाता हूं। खैर ये चाचा जी है हमारे माशाल्लाह। तो ये जा रहे हैं, तकरीबन अभी 9 बज चुके हैं और 9 बजे ये जाते हैं। तो ये चाचा मजदूरी पे यहाँ ये नदी में बकरी चराने के लिए आते हैं, तो इनको तनहा मैंने पूछा इनसे कि आप, तो ये कह रहे कि मुझे तनहा दी जाती है और मैं बकरी चराता हूँ। ये देखें ये बकरी चराते हैं और इनको तनहा मिलती है। तो चाचा काफ़ी तकरीबन 1 बजे आ जाते हैं, 9 बजे चले जाते हैं, 1 बजे तक आ जाते हैं। ये दूसरी साइड है वहाँ, ये देख सकते हैं यहाँ भी जो आगे नज़र आ रहे हैं वहाँ इसको पालक काट रहे हैं। देखें ये जो पालक इसको काट के गड्डी बना के इसको फिर इवन के मंडी में भेज देते हैं। तो यहाँ पालक काट रहे हैं, ये मेरा बड़ा बेटा है अनने का, ये मेरा बड़ा बेटा है, देखें ये बहुत खुश है। तो इन्हीं की फरमाइश लेके मैं सुबह सुबह यहाँ नदी में आया हूँ और आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। देखें कुछ इधर बैठे हुए, ये इनके ग्रुप ग्रुप बने हुए, कुछ उस तरफ है कुछ इस तरफ, अपने केलों में मसरूफ़ है। दरख्त उगा हुआ है, देखें पता नहीं किस चीज़ का है लेकिन कांटे काफ़ी लगे हुए।
ये देखें इस पे काफ़ी कांटे लगे हुए हैं, इसको हाथ लगा के ही काफ़ी नुकसान हो सकता है हाथों को, काफ़ी खतरनाक कांटे इस पे लगे हुए हैं। ये लोग खेल रहे हैं, ये देखें आगे आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली है, यहाँ भी पालक उगी हुई है काफ़ी अच्छी तादाद में पालक है। ये लोग खेल रहे अपनी खेलों में मसरूफ है ना कतार। ये मेरा बांजा है और ये भी बांजा है, ये वाली बांजी है और ये ब्लू कपड़े वाली मेरी सिस्टर और वो आगे भी मेरी सिस्टर। ये मेरा बेटा है और वो जो सबसे छोटा रोते हुए आ रहा है कि आप आगे क्यों चले गए, ये भी मेरा बेटा है। ये मेरी सिस्टर आंटी जी अपनी मसरूफियात करती हुई, ये देखें ये अपने लिए लकड़ियाँ जमा कर रही है, तो हमारे इलाके में गैस भी नहीं है इस वजह से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी हम कह रहे कि यहाँ से लेके चलते हैं, थोड़ी सी हमारा गुजारा हो जाएगा, सेटअप बन जाएगा। तो अब हम घूम फिर के वापसी उसी जगह जा रहे हैं, थोड़े थक भी गए हैं, तो अब हम आ चुके हैं दोबारा से उसी जगह के, काफ़ी थक चुके हैं, हमने काफ़ी लंबा सफ़र किया है इधर उधर घूम फिर के, तो हम थक गए हैं। लेकिन ये जो मेरा बेटा है थकने का नाम नहीं ले रहा, ये दोबारा से वहाँ जा रहा है, तो ये देखें सारे बैठ के थक गए हैं। और तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लव यू माई यूट्यूब फैमिली ऑल एंड सिस्टर ब्रदर, थैंक यू एंजॉय एंड माय फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।